हेलो एवरीवन। सो मैं अब आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक और माय छोटा स्कूल की मैजिकल ट्रिक, जिससे बच्चा क्या करेगा, रोना जो बच्चों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, छूमंतर। और पेरेंट्स भी हैरान होंगे कि आजकल हमारे बच्चे रोते क्यों नहीं है और बार बार स्कूल जाने का क्यों बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो ये है सेंसरी मैट, इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के टेक्सचर है जो आप एक एक करके पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ग्रास। बच्चा बोलेगा कि मैम ये तो हमारे पार्क में भी है, मैम हम जब वहां गए थे ग्राउंड में तब ये ग्रास थी। तो इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चा सोचेगा कि ग्रास मैंने कहाँ कहाँ देखी। और आप बच्चों को बता सकते हैं हाँ कि ग्रीन कलर की ये ग्रास होती है जो पार्क में होती है, ग्राउंड में होती है, और इसके ऊपर वॉक करना कितना हेल्दी होता है। इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग स्किल्स बच्चों की बढ़ती है। नेक्स्ट है फ्लरी। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरी मम्मा के पास ऐसा टॉप है, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे घर में एक ऐसा कुशन है, कुछ बोलेंगे जैकेट्स है। तो आप देखेंगे कि एक आप सिर्फ इसको दिखाएंगे और बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। सब बच्चे अपनी इमेजिनेशन पावर जो है वो यूज करेंगे और आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे दिस टेक्सचर इज फ्लरी। नेक्स्ट वी हैव द सैंड पेपर। ये बच्चों को बहुत कम मालूम होगा लेकिन आपको इंट्रोड्यूस करना है दिस टेक्सचर इज सैंड पेपर, जो हमारे घर में हम कभी व्हाइट वॉश वगैरह करते हैं उसमें यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव द कारपेट। अब इस टेक्सचर को बच्चे बहुत आसानी से पहचानेंगे क्योंकि सभी के घर में ये कारपेट होता है। और आप पूछ सकते हैं कि ये कारपेट आपको कैसा फील हो रहा है, कुछ बच्चे सॉफ्ट बोलेंगे, कुछ शायद कुछ ना बोले, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है ना, सो दिस इज सॉफ्ट। नेक्स्ट वी हैव द हार्ड टेक्सचर। बच्चे इसको टच करेंगे तो बोलेंगे ओह मैम ये तो चुभता है, इट हर्ट्स। तो आप बोलेंगे यस इट हर्ट्स, ये हार्ड टेक्सचर है। नाउ वी हैव द दिस वन इज ऑल्सो रफ। बच्चे इसको टच करेंगे पता चलेगा ये क्या है क्या नहीं है, तो दिस इज रफ, क्योंकि ये बच्चे को फील होगा जो सॉफ्ट है उसमें बच्चा आसानी से बता देगा ये सॉफ्ट है, लेकिन इसमें बच्चों को थोड़ा रफ फील होगा। नेक्स्ट वी हैव ग्लिटरी। अब इसको देख के बच्चे बहुत खुश होंगे, बच्चे बोलेंगे मैम हमारे पास तो ऐसा पाउच है, हमारे पास ऐसी ड्रेस है, हमारे पास ऐसा डॉल है, तो दिस इज ग्लिटरी। सो ओवरऑल इस चीज से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उनकी थिंकिंग स्किल्स जो है वो एनहेंस होगी, सेंस ऑफ टच है जो बढ़ेगा, प्लस बच्चों की इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ेगी, एंड फाइन मोटर स्किल्स ऑल्सो। थैंक यू।